एक नए इंटरव्यू सेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज जो हमारा इंटरव्यू जिस गेस्ट के साथ है, अब तक का सबसे बड़ा गेस्ट एक तरह से आप बोल सकते हो सब्सक्राइबर बेस पे। जी हाँ दोस्तों, 11 मिलियन यूट्यूब पे उनका सब्सक्राइबर्स है। डायमंड प्ले बटन जल्दी उसका आने वाला है, मतलब इतने बड़े यूट्यूबर का अभी तक इंटरव्यू मेरे चैनल पर नहीं आया है। और आप लोग उसका उम्र सुनकर के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, उनका उम्र हो रहा है सिर्फ 16 साल। और दोस्तों वो 11th में पढ़ते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उनके यूट्यूब पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पैसा भी अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। साथ ही एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है, फेस दिखाया ही नहीं है, विदाउट फेस मतलब कि वो वीडियो बनाते हैं और 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और वो फर्स्ट टाइम आज मेरे ही चैनल पर अपना फेस भी रिवील करने जा रहे हैं, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करो दबा के और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। चलिए आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो भाई, मैंने सबसे पहले तो आपका नाम ही नहीं पूछा था। आप वैसे आपका चैनल का नाम है फैक्टो श्रेयांश, है ना? यस सर। हाँ, तो इनका नाम है श्रेयांश, ठीक है। चलिए श्रेयांश भाई, वेलकम है हमारे चैनल पर आपका। अरे सर थैंक यू, आपने मुझको अपने चैनल पर बुलाया सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो श्रेयांश भाई, मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बारे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो, लाइक आपका नाम, आप किस जगह से बिलोंग करते, आपको पापा क्या करते थे और अभी क्या करते हैं नहीं करते, सब कुछ बताइए थोड़ा डिटेल में। यस सर, मेरा नाम श्रेयांश पाठक है और मैं यूपी के कन्नौज जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी क्लास 11th में हूँ। और मेरे पापा एडवोकेट हैं, लेकिन 2014 में उनको डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं, तो इसके चलते घर भी नहीं चल पा रहा है। तो आपका पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुआ है, जहाँ आप अभी रहते वहीं पे या फिर पहले कहीं और रहते थे? सर हाँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मतलब पहले जब छोटा था मैं 2 साल का, तब मैं यहाँ पर शहर में आ गया था, अब पढ़ाई भी यहीं पर कर रहा हूँ। YouTube पे जैसे कि आने का आपको आइडिया वगैरह कैसे आया श्रेयांश भाई? सर YouTube पे सर बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त भी हैं, तो वो YouTube पर करते थे, उनके एक दो हजार सब्सक्राइबर थे, तब भी उनको पैसा मिलता था, तो वो लोग कहते थे कि तुम भी कर लो YouTube, तो मैंने बनाया। पर मैंने 4 साल से मैं YouTube पर हूँ, ठीक है सर, पर मेरा कुछ ग्रो नहीं हुआ। मेरे 300 सब्सक्राइबर हो पाए थे 4 साल के अंदर। मैं 2017 से मैंने 22 तक ये किया है काम, 17 से 21 तक किया है, फिर मेरे बोर्ड पेपर आ गए थे जिसकी वजह से मैंने ये सब बंद कर दिया। 300 सब्सक्राइबर, इन्होंने एक चैनल खोला जो कि फैक्ट रिलेटेड अभी वीडियो बनाते हैं और इस चैनल पर इनका 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया। श्रेयांश भाई, ये 11 मिलियन आपके कितने दिनों में हुआ, ये चैनल का कितना दिन हो रहा है आपका? सर 3 महीने में मेरे 11 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और 5 दिन में मेरे 25 दिन में मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। सिर्फ 25 दिन में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 3 महीने में 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स, भाई इतना ग्रोथ मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज हो गया, 3 महीने में 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बताओ आपका मनोज भाई यहाँ पर 6 साल से काम कर रहा है, 4 मिलियन अभी तक नहीं हो पा रहा है। सब्सक्राइब करो भाई मेरे, 4 मिलियन जल्दी करवाओ। और भाई का 3 महीने में ही 11 मिलियन हो गया, मतलब गजब। तो दोस्तों जैसा कि श्रेयांश अभी जो है YouTube से लाखों पैसे कमा रहा है, उसी तरह से देखिए पैसा कमाने का बहुत सारा रास्ता है। जैसे कि दोस्तों अगर खेल की बात करें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग सही रम्मी चाल के साथ जीत रहे हैं जंगली रम्मी पर लाखों रुपए। जंगली रम्मी दोस्तों इंडिया का टॉप ऑनलाइन रम्मी प्लेटफॉर्म है, जहां पर 6 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स है। जंगली रम्मी पे खेलने का बात ही कुछ और है। और इसी ट्रस्ट के साथ दोस्तों एक ऐसा इंसान जुड़ रहा है जिन्होंने हमारे दिलों में एक सिंघम बन के दहाड़ के राज किया है। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन जो है जंगली रम्मी का नया ब्रांड एम्बेसडर है। और इसी चीज से दोस्तों प्रूफ होता है कि जंगली रम्मी इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रम्मी साइट है एंड 100% सेफ एंड सिक्योर है। जंगली रम्मी पे दोस्तों आपको ज्वाइन करने से मिलेगा वेलकम बोनस, वो भी कितना पता है, 8,850 रुपया। यहाँ पर दोस्तों आपको इंस्टेंट विड्रॉल भी मिल जाता है और विनिंग अमाउंट जो है वो तुरंत बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये देखिए रियल प्लेयर की कहानी। लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है, प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे और सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। रमी बोले तो जंगली रमी, डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अभी वेट किस बात का, अभी डाउनलोड करें और खेले रमी, क्योंकि अब पूरा इंडिया बोल रहा है रमी बोले तो जंगली रमी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कीजिए। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो श्रेयांश भाई, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लाइक आप थोड़ा सा यहाँ पर टिप्स देना चाहोगे कि आपने मतलब कि ऐसा क्या यूनिक चीज किया कि 3 महीने में आपका 11 मिलियन हो गया, आपने क्या अलग किया यूट्यूब पे? सबसे पहले तो मतलब अगर आपको मतलब ग्रो होना है तो सबसे पहले आपको कुछ अलग करना होगा, ठीक है। तो लोग तो कहते हैं कि आपकी मतलब वॉइस अलग है जिसकी वजह से आपका चैनल देखा जा रहा है, आप मतलब बहुत अच्छा बोलते हो और मतलब अलग टाइप से बोलते हो, सबसे अलग बोलते हो, इससे कि आपके लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं अच्छे, ये लोग कहते हैं। और जो आप फैक्ट रिलेटेड
अच्छा, फैक्ट रिलेटेड जो आप वीडियोस बनाते हो उसके लिए जो वीडियो फुटेज वगैरह होता है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ये सब कहाँ से आप उठाते हो? यस सर, ये यूट्यूब पर भी मिल जाता है, और फेसबुक इंस्टाग्राम में हर जगह ढूंढता रहता हूँ ये कंटेंट, और मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ वो मुझको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो यूट्यूब पे कोई ऐसा कुछ चैनल का नाम है क्या जहाँ पर ये वीडियोस वगैरह मिलता है कुछ? यस सर। जैसे कि सर एक साइटो चैनल है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट टाइप करता है, जैसे कि लोगों के वीडियो देखेगा और फिर उसका वैसा सेम करेगा, ठीक है। और एक बेटर बॉकर का है, इमोशनल वीडियो बनाता है, उस पर हम लोग वॉइस ओवर कर देते हैं। ऐसे 3-4 चैनल है मैं सब्सक्राइब किए हूँ जिनको। तो अभी आपका फैक्टो श्रेयांश चैनल ही सिर्फ आप चला रहे हो या फिर और भी चैनल है आपके? यस सर, फैक्टो श्रेयांश है इस टाइम। तो अभी पापा जैसे कुछ नहीं करते हैं तो सारा क्या आप यूट्यूब से ही जो भी इनकम कर रहे हो उसी से सब कुछ चल रहा है क्या? नहीं सर, मेरा मतलब एक घर है, मतलब वहाँ पर किराए पर पापा उठाते हैं, बस उसी से चल रहा है सब कुछ। और इस टाइम मैं यूट्यूब करने लगा हूँ तो मम्मी पापा खुश हैं इस टाइम। घर को मतलब किराए पे दे रखा है? हाँ सर। तो आपका अब आप एक चीज बताओ, पहला आपने कब कमाया था यूट्यूब से पैसा, फर्स्ट पेमेंट? सर फर्स्ट पेमेंट मेरा ये मतलब जनवरी में ही आया है, जिससे मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट मतलब शॉर्ट फंड तो मेरा आ गया था नवंबर ही में, लेकिन एडसेंस की दिक्कत चलते हुए मुझको ज्यादा पता नहीं था, इसलिए अब जनवरी में मेरा फर्स्ट पेमेंट आ पाया है। तो फंड आपको मिला था, फंड कितना मिला था आप बता सकते हो क्या? यस सर, $379 मिला था मुझको फर्स्ट फंड। $379 मतलब $400 के करीब? हाँ सर, 30,000 रुपए के ऊपर। हाँ, 30,000 रुपए इनको पहला फंड जो है मिला था दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। लेकिन इन्होंने इसके लिए यूट्यूब पे 4 साल मेहनत किया है, 4 साल के बाद इनको जो है पहला पेमेंट मिला, वो भी सिर्फ 30,000 रुपया, ठीक है, इसको सिर्फ ही बोल सकते हैं क्योंकि 11 मिलियन भाई का सब्सक्राइबर से। लेकिन यही है कि शॉर्ट्स कैटेगरी का चैनल है, थोड़ा इनकम कम ही होगा। अब आप लोग आप श्रेयांश भाई ये बताओ कि आपका जैसे कि अभी इनकम आपको जैसे 1 फरवरी से शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, आपका एड भी आना शुरू हो गया है, तो अभी आप कितना यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, एक अप्रॉक्स बता सकते हो? अमाउंट में नहीं बताओगे तो आप कोई सामान का नाम बोल सकते हो कि ये चीज़ मैं खरीद सकता हूँ ऐसा कुछ? सर iPhone 12 खरीद सकता हूँ, iPhone 12 मतलब 50K प्लस वाला। चलिए, मतलब इतना अभी इनकम हो जा रहा है आपका? यस सर, फरवरी का। और ये तो हो गया एडसेंस के थ्रू, अभी आपका एड आ रहा है उससे पैसा बन रहा है, आपको स्पॉन्सर्स वगैरह भी मिलता है क्या यूट्यूब पे? यस सर, स्पॉन्सर भी मिलता है, पर मैं ज्यादा करता नहीं हूँ स्पॉन्सर, क्योंकि बहुत सारे मुझको फेक स्पॉन्सर भी मिल चुके हैं और मेरे साथ फ्रॉड भी हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी करता नहीं। तो अभी जैसे सिर्फ आपका मात्र मतलब कि 16 साल उम्र हो रहा है, तो आपका जो आपका फ्रेंड सर्कल तो होगा ही, दोस्त वगैरह होगा? यस सर। तो वो लोग आपको देख के वो लोग भी चैनल वगैरह चला रहे हैं कि नहीं आज के डेट पे? हाँ सर, चला रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त तो हैं अब तो मुझसे बोलते नहीं है, वो पहले देख भी लेते तब देखते नहीं, अब बोलते भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो इतना जल्दी ग्रो करोगे तो लोगों को तो नजर में लगेगा ना भाई? पर कुछ दोस्त हैं और बहुत दोस्त हैं, मतलब मेरा सपोर्ट करते हैं। तो श्रेयांश भाई अभी आपको कैसा लगता है कि आपने इतने कम उम्र में और इतने कम समय में 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिया, बहुत बड़ा एक नंबर होता है, आपको कैसा फील होता है ये चीज? सर बहुत अच्छा लगता है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है, अपने स्कूल वालों को तक भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब मेरा वीडियो आ जाने के बाद आपको समझ रहे हो ना कितना कोई को पता चल जाएगा? अरे सर थैंक यू। अब आपको देखिएगा बहुत कोई आएगा सेल्फी वगैरह लेने के लिए, भाई एक सेल्फी दे दो भाई, 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो आप जो है थोड़ा सा मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि जैसे आपका 11 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है ना, थोड़ा बहुत आप हर एक जगह में एक्टिव रहा करो, जैसे आपका इंस्टा में मैंने देखा फॉलोवर वगैरह उतना कुछ खास नहीं है, है ना? तो हाँ, थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए, ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक पेज भी बना लीजिए, फेसबुक पेज पे भी आप सेम वीडियो रील्स में डाल सकते हो, वहाँ भी वायरल होता है। आप इंस्टाग्राम पे भी सेम वीडियो को हाँ रील्स में डाल सकते हो। सर फेसबुक पे मैंने वीडियो डाला है और मेरा एक वीडियो वायरल भी हुआ है जो कि 3 मिलियन गया है, ठीक है, तो उससे मेरे को 14,000 फॉलोवर मिल गए, पर उसमें सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन खुला है, अभी बोनस का खुला ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि भाई का देख रहे हो सिर्फ 3 महीने में 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, डायमंड प्ले बटन आने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है, बड़े बड़े क्रिएटर जिनका 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है उनको डायमंड मिलता है, अभी भाई को डायमंड मिलने वाला है। और ये हमारे वीडियो पे पहला इनका फेस रिवील भी हुआ है, इन्होंने अभी तक किसी भी वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाया था, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इनके चैनल को आप लोग चेकआउट कर लेना, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है टाइटल पे। एंड आज का ये वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड श्रेयांश भाई आप लास्ट टाइम में कुछ बोलना चाहोगे? यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या बोल दूं, आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया है। श्रेयांश जो है काफी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, मैंने इनको बार बार मैंने मैसेज करके बोला कि भाई आप मुझे मैसेज वगैरह मत करो, मैं आपको खुद करूंगा जब मेरा टाइम हो जाएगा उस टाइम, हाँ जब ऐसा समय आ जाएगा मैं आपको खुद मैसेज करूंगा,
और इंटरव्यू लेंगे। फाइनली इंटरव्यू हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। तो आज का ये वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए।